Hello my dear children, today we are going to start our chapter number 18, Clean Trains, in which we are going to discuss about the general awareness. So children, first of all, I would like to discuss the Swachh Rail Swachh Bharat Abhiyan. It is an abhiyan which is generated to meet the 100% target of cleanliness by our Prime Minister Narendra Modi, right? To coming up with a new ways to boost swachhta or cleanliness. Under this abhiyan, regular cleaning program are planned and executed at all the railways premises. The aim of Indian Railways is clean and hygienic toilets, cleanliness at stations and in the trains, improving drainage, planting trees and organizing public awareness programs. So in this chapter we are going to discuss about the services which are used for cleaning the trains and the railway stations. Okay, so children, we have to read the given efforts taken by the Indian Railways to improve the standard of the cleanliness and hygiene in the trains and railway stations and write them in the blanks provided. So children, first of all, we are moving with the one. You can see in the picture, in this picture, they are cleaning the different blankets, towels and pillow covers, right? वो clean कर रहे हैं उसको जो trains में use होते हैं. So this service is meant for improving the quality of washing of bedsheet, towels, blankets and pillow covers to make them germ free. ये जो सारी चीज़ें हैं उसको जर्म फ्री बनाने के लिए ये सर्विस का यूज़ किया जाता है. तो इस सर्विस का नाम क्या है बच्चों? मैकेनाइज्ड लॉन्ड्रीज. ओके, मूविंग विथ नंबर टू. दिस सर्विस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन राजधानी, शताब्दी, ड्यूरोंटो एंड अदर इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन फॉर फ्रिक्वेंट क्लीनिंग ऑफ कोच टॉयलेट्स, डोरवेज एंड पैसेंजर कंपार्टमेंट्स ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द ट्रेन. ये जो सर्विस है वो रनिंग ट्रेन में कोचिस के टॉयलेट्स, डोरवेज एंड पैसेंजर कंपार्टमेंट जो होता है उसको क्लीन रखने के लिए, ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती है ना उसमें ये सर्विस यूज़ होती है. तो उस सर्विस का नाम क्या है बच्चों? ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सिम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है OBHS. ओके, नाउ मूविंग विथ नंबर थ्री. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस सर्विस इज ओवर हियर, इन विच द वैक्यूम क्लीनर आर यूज फॉर क्लीनिंग द रेलवे स्टेशन, राइट? सो दिस सर्विस यूजेज द इक्विपमेंट टू क्लीन द कॉबवेब्स, गार्बेज ऑन द फ्लोर, डर्टी शीट्स, एक्सक्रिएटा ऑन द कंपार्टमेंट फ्लोर ऑन रेगुलर डेज. रेगुलर डेज में रेलवे स्टेशन के फ्लोर को क्लीन करने के लिए और जो कंपार्टमेंट होता है, राइट, उसको ट्रेन के कंपार्टमेंट को क्लीन करने के लिए ये लोग वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करते हैं. सो इस सर्विस का नाम क्या है? वैक्यूम क्लीनर. ओके, नाउ मूविंग विथ नंबर फाइव. मूविंग विथ नंबर फोर. इट हैज़ अ कॉलोनी एनरोबिक बैक्टीरिया कैप्ट इन कंटेनर अंडर द लेबोरेटोरीज दैट कन्वर्ट द ह्यूमन वेस्ट इन टू वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस. ये जो सर्विस है, राइट, वो जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको वाटर एंड गैसेस के अंदर कन्वर्ट करती है और ये गैसेस है वो एटमोसफियर में रिलीज करती है. वाटर इज डिस्चार्ज आफ्टर क्लोरीनेशन ऑन द ट्रैक. ओके, तो इस सर्विस का नाम क्या है बच्चों? बायो टॉयलेट. ओके, मूविंग विथ नंबर फाइव. इन दिस सर्विस अ पैसेंजर कैन सेंड एन SMS. हम 58888 यानी कि 5 और 4 times 8 पे SMS करके अगर आपका कुछ कोई भी ट्रेन में डर्टी है, राइट, तो आप 58888 पर मैसेज कर सकते हैं और ये जो पैसेंजर की रिक्वेस्ट होती है वो इमीडिएटली
ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ के पास पहुंचती है और डिटेल्स के साथ वो कौन सी कोच की है वो पूरी डिटेल्स वहाँ पे पहुंच जाती है और वो क्लीन हो जाती है। ओके, तो उस सर्विस का नाम क्या है बच्चों? क्लीन माई कोच। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग विद द नो दिस ऑल्सो। द इंडियन रेलवे स्टेशन इज करंटली यूज टॉयलेट्स इन द ट्रेन इन विच ह्यूमन वेस्ट इज डम्प्ड डायरेक्टली ऑन द ट्रैक। So, this makes the environment unhygienic and the waste matters make the tracks dirty. The Indian Railways has set a target to install the bio-toilets in all coaches to ensure the entire rail network as zero discharge zone by 2019. Okay, so children, now we are moving with the real life of this chapter in which you have to suggest one way to improve the train travel in India. Okay, and you should put this your suggestion in the following website www.mygovernment.in, right? Agar aapko us pe post nahi karni hai to aap rough book mein likh kar aap mujhe अपना सजेशन है वो दे सकते हो कि हम हमारी जो ट्रेन की ट्रैवलिंग होती है, हम इंडियन जो ट्रेन्स होती है उसके क्लीनिनेस को और बेटर कैसे बना सकते हैं। यू हैव टू सजेस्ट वन आइडिया। ओके, नाउ मूविंग विद द क्विज टाइम ऑफ दिस चैप्टर इन विच वी हैव टू नेम द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। ओके, विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स यू कैन सी दिस इज द रेलवे स्टेशन ऑफ तमिलनाडु, राइट? तो वहाँ पे तमिलनाडु में कौन सा रेलवे स्टेशन है वो क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है बच्चों? यहाँ पे आएगा भुवनेश्वर। क्या आएगा? भुवनेश्वर। ओके, ये जो है वो गुजरात का क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है, तो वो कौन से सिटी का है? सूरत। ओके, एंड ये जो रेलवे स्टेशन है वो ओडिशा का रेलवे स्टेशन है, क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा? मदुराई। ओके, सो दिस इज द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर नंबर 18 क्लीन ट्रेल्स है वो कंप्लीट किया है। आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और आफ्टर देन यू हैव टू राइट द आंसर विथ अ गुड हैंड राइटिंग एंड सेंड मी इन माय न्यू ईमेल एड्रेस। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑल्सो आस्क मी थ्रू द मेल और थ्रू द एडमोडो। सो थैंक यू। जय हिंद बच्चों।